Hello friends, welcome back to my channel. Today I am going to show you how to draw perfect outline with the help of grid method. So friends, ये photograph का print ले रखा है मैंने. आप कोई भी photograph ले सकते हैं. Process तो same ही रहेगा. सबसे पहले मैं इसका width और length measure कर लूँगी. उसके बाद इसमें grid देना शुरू करूँगी. Width 20 सेंटीमीटर है और लेंथ 26 सेंटीमीटर है. तो अब मैं इस प्रिंट के ऊपर ग्रिड बनाना स्टार्ट करती हूँ. मैं 2-2 सेंटीमीटर के गैप में मार्क लगा लूँगी. आप 1 सेंटीमीटर के गैप में भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. अगर आप बिगिनर्स हो तो 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं और थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए तो आप 2 सेंटीमीटर ले लें. चारों तरफ आप 2-2 सेंटीमीटर का मार्क कर लें ताकि आपको स्केल से लाइन ड्रॉ करने में कोई दिक्कत ना आए. से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया है. आप भी आराम से करें, कोई जल्दबाजी ना करें. वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके मैंने वर्टिकल लाइंस बना लिया ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और आप बोर ना हो जाए. अब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन देते हुए ग्रिड बना लूंगी. ग्रिड बनाते वक्त अच्छे से ध्यान दें और हर ग्रिड बॉक्सेस एक्यूरेट होनी चाहिए. इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप पूरे प्रिंटआउट पे ग्रिड बॉक्सेस बना लें अच्छी तरह से. ग्रिड बनाने के बाद आप बॉक्सेस में नंबरिंग दे सकते हैं ताकि आपको आउटलाइन ड्राइंग करने में प्रॉब्लम ना हो. प्रिंट के अकॉर्डिंग आप मार्क कर लें, लेंथ विड्थ दोनों मार्क कर लें. सेम ग्रिड अब मैं पेपर पे ड्रॉ कर लूंगी. मेरे पेपर का विड्थ है 21 सेंटीमीटर और प्रिंट का विड्थ है 20 सेंटीमीटर. सो मेरे पेपर में मैं दोनों साइड में 0.5 का स्पेस दे दूंगी. प्रिंट का लेंथ 26 सेंटीमीटर है और मेरे पेपर का लेंथ 29.5 सेंटीमीटर है. सो ऊपर और नीचे 1.75 सेंटीमीटर हम स्पेस दे देंगे. जैसे आपने 2-2 सेंटीमीटर लेके प्रिंट पे ग्रिड बनाया, उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप अपने ड्राइंग शीट पे ग्रिड बना लें अच्छी तरह से. तरह आप अपने ड्राइंग शीट पे भी नंबरिंग दे दें जिससे आपको इजी हो आउटलाइन ड्रॉ करने में. अब आउटलाइन ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकते हैं. आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं. मैं हेयर से स्टार्ट कर रही हूँ. कॉम्पास से एक बॉक्स में हेयर कहाँ से कहाँ तक है मेजर करके ड्राइंग शीट पे मार्क कर लें और पेंसिल से जॉइन कर लें. अच्छी तरह से रेफरेंस को ऑब्जर्व करते हुए ज्वाइन करें. इसी तरह कंपास को यूज करते हुए आप हेयर का आउटलाइन ड्रॉ कर लें.
मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये वीडियो पूरा देखें। मैं इसमें सारी चीज़ें कवर करने का कोशिश करूंगी, मैं कैसे ड्रॉ करती हूँ और किस किस चीज़ से ड्रॉ करती हूँ और सारे आर्टिस्ट जितने भी हैं वो कैसे ड्रॉ करते हैं एक्सेट्रा। अब मैं एक टूथपिक के मदद से भी हेयर का आउटलाइन ड्रॉ कर सकती हूँ। आप जस्ट अच्छी तरीके से वॉच कर लीजिए तो आपको समझ में आएगा, जैसे मैंने कॉम्पास यूज किया है उसी तरीके से मैंने टूथपिक को भी यूज किया है। आप मेजर करने के लिए कुछ भी यूज कर सकते हैं, कॉम्पास, डिवाइडर, टूथपिक, पेंसिल, स्केल, जो आपको ठीक लगे, आपको जो सूटेबल लगे आप वही कीजिए। कोई रूल नहीं है कि आप कॉम्पास यूज करें या आप डिवाइडर यूज करें, आपको जो ठीक लगे आप वही करें। यहाँ पे मैं पेंसिल से भी मेजर करना बताई हूँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पेंसिल से भी मेजर करके आउटलाइन बना सकते हैं। इसी तरह प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप पूरा आउटलाइन ड्रॉ कर लें। मैं कोशिश की हूँ सारा मेथड एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करने का, ताकि आप इजीली आउटलाइन ड्रॉ कर सकें और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आउटलाइन में। आउटलाइन से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं किसका पोर्ट्रेट है, बट शेड के बाद इसमें डेप्थ आएगा और आपका ड्राइंग उभर के आएगा, 3D लुक आएगा। रेफरेंस को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हुए आप आउटलाइन ड्रॉ कर लें अच्छी तरीके से, हर एक बॉक्स को अच्छी तरीके से ध्यान से देखें और ड्रॉ कर लें। जल्दबाजी ना करें, आउटलाइन बनाने में आप जितना वक्त हो सके लें। की तरह प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप आईज, नोज, लिप्स वगैरह अच्छी तरह से ड्रॉ कर लें। पहले जिस तरीके से मैंने बताया है सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए आईब्रो, आईज, नोज, लिप्स वगैरह का आउटलाइन अच्छी तरह से ड्रॉ कर लें। रेफरेंस को ऑब्जर्व करते हुए हमेशा रेफरेंस को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते रहें, कंपास का हेल्प से एक्यूरेसी चेक कर लें। एक्यूरेट आईज, नोज, लिप्स बनाने के लिए आप डायगोनल लाइन का भी हेल्प ले सकते हैं। मैंने इस ड्राइंग में इस प्रोसेस का भी इस्तेमाल किया है। मैंने इस प्रिंट में जितने भी बॉक्सेस यूज हुए हैं आईज़ और लिप्स में, उन सारे में मैंने डायगोनल लाइन ड्रॉ कर लिया। शुरू में आईज़, नोज, लिप्स को एक्यूरेट बनाने के लिए डायगोनल लाइन दे सकते हैं, इससे थोड़ा भी मिस्टेक नहीं रहेगा आउटलाइन में। मैंने जिस तरीके से प्रिंट में डायगोनल लाइंस ड्रॉ किए हैं आप उसी तरीके से ड्राइंग शीट में भी डायगोनल लाइन ड्रॉ कर लें। अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हुए लिप्स, आईज, नोज सारा अच्छे से ड्रॉ कर लें। इसी तरीके से आप पूरा आउटलाइन अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लें और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी ड्राइंग को शेड करना बताऊंगी पार्ट बाय पार्ट अच्छी तरीके से। Thank you.
मोबाइल ऐप से ग्रिड कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में नए ड्राइंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।